अभी पेट्रोल फिल करा रहा था, बाइक की ब्रांडिंग से फायदा हुआ, एक सब्सक्राइबर तो बढ़ गया। एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व की है मैंने जस्ट अभी बाइक के कंसोल में, ये जो निडल है ना यार, ये हल्का सा, और जब भी देश के तिरंगे को देखते हैं ना इंडियन आर्मी याद आती है, कोई पॉलिटिशियन याद नहीं आता कुछ। और ये आ गए हैं दीप भाई। वो देखो साइन करके निकली है बाजू से, पकड़ पाना मुश्किल है। Recording on. Hi guys, welcome back to my channel. आज का दिन यार बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दीप रंजन सचान से मिलने। उनको एक ब्लॉग शूट करना था ट्राइम स्क्रैम्बलर पे, तो स्क्रैम्बलर मेरे पास है ही, तो somehow I connected to him और आज वो दिन आ गया जब उनके साथ एक ब्लॉग शूट होगा। और आज का यार एनर्जी लेवल बिल्कुल ऊपर तक है मेरा, आपको दिख ही रहा होगा। तो चलते हैं जल्दी से बिना देरी के, गुड़गांव मुझे पहुंचना है। ही विल बी ज्वाइनिंग मी एट एम्बियंस मॉल, तो उसके बाद जाके देखते हैं आज क्या धमाल हो पाता है। चलिए चलते हैं जल्दी से। अभी पेट्रोल फिल करा रहा था, बाइक की ब्रांडिंग से फ़ायदा हुआ, एक सब्सक्राइबर तो बढ़ गया। सुबह सुबह शुभ काम में देरी क्यों। अरे भाई इतना भरता है क्या, कोई भारी गिरा दोगे इसमें से। पेट्रोल आ गया है 9.62, इसका मतलब 3.5 लीटर के अराउंड था बाइक में पेट्रोल। अब मालूम नहीं ना यार, टेस्ट ड्राइव लेनी है तो कितना दूर जाया जा सकता है। राइड में मज़ा आ जाए तो राइड करो, वैसे भी आज मेरा कुछ प्लान था नहीं। एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व की है मैंने जस्ट अभी बाइक के कंसोल में, ये जो निडल है ना यार, ये हल्का सा फ्लक्चुएट कर रही है। ये देखो, आप पता नहीं कैमरा इस चीज़ को पकड़ पा रहा होगा या नहीं, और जैसे ही 90 के अबव जाती है, देखो अभी फ्लक्चुएट कर रही है, और जैसे ही 90 के अबव जाएगी वो देखो स्टेबल हो गई बिल्कुल। उसको अब कोई झंझनाहट नहीं है। ये एक्चुअली हुआ क्या है, मुझे जो लग रहा है, मैंने जो मैड डॉग की अल्फ़ा लाइट्स लगवाई है नीचे, वो मैंने माउंट कराई हुई है शॉकर्स पे, तो शॉकर्स पे कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस को इन्फ्लेट कर रही हैं और वो कंसोल तक पहुंच रहा है, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी। बिल्कुल भी कंसोल की निडल वाइब्रेट नहीं करती थी, फ्लक्चुएट नहीं करती थी, और अभी भी 90 के बाद वो एकदम से स्टेबल हो जाती है, जो कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है तो है नहीं, बट एक चीज़ सामने आई तो मैंने आप सबको बता दी। आज प्यारा तिरंगा लहरा नहीं रहा है, इसका मतलब हवा नहीं चल रही है। लेकिन यार जहाँ जहाँ भी हमारे देश का जो ट्राई कलर लगा है, जितने भी चौक चौराहों पे अब रोड पे लग गया है पिछले कुछ सालों में, तो यार बहुत ना एक पैट्रियटिक वाली फील, एक जो देश के लिए कुछ करने की या एक नेशनलिस्ट होने की एक फील देता है ना, थोड़ा सा देशभक्ति के लिए प्रेरणा देता है जब भी आप ट्राई कलर को देखते हो। और ये हर जगह लगने के बाद मुझे तो ये फील होता है, क्या आप लोगों को भी सेम फील होता है? अगर होता है तो बताइए, क्योंकि देश के लिए जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो है हमारे देश के वीर सैनिक। उनके लिए दिल से सैल्यूट है। और जब भी देश के तिरंगे को देखते हैं ना इंडियन आर्मी याद आती है, कोई पॉलिटिशियन याद नहीं आता है, कुछ याद नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी ही याद आती है। ये भी सच बात है शायद, ये भी आप सब लोगों के माइंड में आता हुआ होगा। ये जो हेलमेट मैंने अभी ख़रीदा है ना यार, नया LS2 का स्ट्रॉन्ग 2, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो यूज़ करने के बाद मुझे फील हो रही है। इसमें चक्कर क्या है, जो विंड स्क्रीन है उसको ओपन करने का जो पॉइंट दिया हुआ वो सेंटर में दिया हुआ है, और सेंटर में ही इसके मैंने लगाया हुआ है GoPro, तो जब भी मैं विंडशील्ड को ऊपर उठाना चाहता हूँ तो वो GoPro से कहीं ना कहीं टच होता है, उसके बीच में आता है। ऐसा THS में नहीं था, THS में साइड में लेफ्ट हैंड साइड एक पिनअप किया हुआ था, बाहर निकाला हुआ था विंड स्क्रीन को एक्सटेंड करके विंड स्क्रीन को उठाने के लिए। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बाकी सब बढ़िया है इसमें। तो भैया हम तो पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल, अच्छी खिली खिली धूप निकली है, रंजन भाई से भी बात हो गई है, जब तक इसके कुछ फोटो क्लिक्स कर लेते हैं। और ये आ गए हैं दीप भाई। तो अभी रंजन भाई चला रहे हैं स्क्रैम्बलर और मैं इनकी हाइनेस, इनकी प्रिंसेस। मैंने कभी चलाई नहीं है हाइनेस हाथ से पहले। तो इसका भी राइड का एक फील आज आ जाएगा,
साइलेंसर तो यार काफ़ी बेसी साउंड हो रहा है इसका। वाह, काफ़ी बटन्स भी दिए हुए हैं यार यहाँ पे। सही है, एंटर। चलो इसको चलाते हैं। तो अभी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे जा रहे हैं एंड आई विल फॉलो दिस स्क्रैम्बलर नाउ। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा हूँ स्क्रैम्बलर को। वाह यार, सही लग रही है बाइक तो। एंड आई विल फॉलो हिम, क्योंकि भाई, अरे भैया, इस बाइक से मैं ज़्यादा वाकिफ भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा जेल होने में टाइम लगता है। 5-6 किलोमीटर तो लगेंगे ब्रेकिंग वगैरह। हैंडल थोड़ा सा इसका नैरो है, बट बाइक सही है यार। काफ़ी टॉल लग रही है पीछे से स्क्रैम्बलर। नीट एंड क्लीन। अरे भाई, वो तो रेस देती जा रही है। ट्रैम की स्पीड भी दिख गई है। ये चीज़ मैंने देखी यार, स्क्रैम्बलर्स और स्पीड ट्रैम की दोनों बाइक्स काफ़ी बिक रही है। मतलब जिस हिसाब से मार्केट है ना 300-400 सीसी में, लोग बहुत ज़्यादा खरीदते नहीं है नई बाइक्स को, ज़्यादातर आरिफ की तरफ जाते हैं, लेकिन ये दोनों बाइक्स काफ़ी सेल आउट हो रही हैं। जितने इनके शोरूम है उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही सेल आउट हो रही है। अभी तक फोर्थ गियर पे गया हूँ, फिफ्थ, 5 ही गियर हैं इसमें। ओके, चलो चलो चलो। इट विल टेक टाइम भाई, इट विल टेक टाइम। 100 तक पहुँच गई है। नहीं, उसको मैच नहीं कर पाऊँगा, तो स्लो ही चलता हूँ थोड़ा। इस तरह के अंडरपास, बेसमेंट या टनल्स में जब बेसी वाली साउंड निकलती है ना बाइक की, बहुत अच्छी लगती है। और 3-4 बाइक्स हो तो यार मज़ा ही क्या आता है। एक्चुअली बहुत अच्छी फील आती है ऐसी जगह पे। अब बाहर आते ही एकदम साइलेंट हो गई है बाइक। और ये देखो साइड से, क्या सही लग रहा है रेड कलर ना, गोल्डन स्पॉक्स। मस्त फील आ रही है, मस्त लुक्स आ रही है बाइक की ना। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ उस बाइक को पकड़ने की, लेकिन जैसे ही रंजन भाई एकदम रेस देते हैं ना, बाइक तो गई भैया। मैं भी रेस देता हूँ, लेकिन ये चलती है धीरे धीरे, अपना टाइम लेगी। और इधर आके लग रही है थोड़ी सी ठंड, पेंट में घुस रही है हवा। खुला एरिया आ गया, दोनों तरफ जंगल है। ये देखो कैसा फील आ रहा है। आपको कैसा आ रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा कम पावर हो गया मेरी बाइक में। नहीं नहीं अच्छा, अगर BMW चला ली होती तो फिर मुझे वो कम अच्छी लगती, अब ज़्यादा अच्छी लगेगी। अरे नहीं, मैं यही सोच रहा था BM चलाने के बाद मुझे बेचारी थोड़ी हल्की लगेगी। लेकिन ये अच्छा है, फील गुड। काफी लाइट है, ऐसा फील नहीं हो रहा है, बहुत निम्बल है। वो देखो साइन करके निकली है बाजू से, पकड़ पाना मुश्किल है। मैं भी 80 पे चल रहा था और वो मेरे ख्याल से 100 पे गई होगी, और अभी 110 तक जा रही होगी। अभी सोचा था कि ऑफ रोडिंग भी कर लें, लेकिन शायद ये रास्ता तो नहीं जाता है, नहीं, लेकिन वो रास्ता शायद बंद कर दिया है। कूड़े के पहाड़ के बाजू से रास्ता जाता था, वो रास्ता बंद कर दिया है। बाइक की चेन ड्राई हो गई है, मुझे दिख गई है। अब कल राइड पे निकलने से पहले बाइक को अच्छे से ल्यूब कर लूँगा, अभी कर लूँगा आज ही, कल मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिलेगा। ओ नाइस बाइक, थैंक यू। इनका है? अच्छा अच्छा, ये मेरा है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बाइक ना। हाय अनुपम, प्रवेश। यू आर प्रवेश? प्रवेश, आई एम अनुपम। अनुपम, रिकॉर्डिंग ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन। दीप भाई, आपने इतनी लंबी लंबी राइड्स की है, इतने मतलब फॉलोवर्स बनाए हैं, आज आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा है आज मेरे यूट्यूब चैनल पे? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है।
आपके YouTube चैनल पे भी आके और आपकी नई नई अच्छी बाइक चला के। अरे दोनों चीज है ना, ये कपिल शर्मा से कॉपी किया था, पता नहीं कितना नेचुरल आ पा रहा है। बढ़िया बढ़िया। मैंने मैसेज किया प्रवेश भाई को कि आपके पास स्क्रैम 400 है, आप मैं आपकी बाइक चलाना चाह रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो सोचो आप दिल्ली से प्रवेश भाई मेरे लिए यहाँ आ गए गुड़गांव, थैंक्स टू यू सर। यही होता है बाइकिंग ब्रदरहुड है ना एक्चुअल। ओ भाई, जो मिलके हमने 1.5 घंटे से गपशप मार रहे हैं, काफी कुछ शेयर किया, काफी कुछ शेयर मैंने किया। अपनी राइडिंग स्टोरीज बताई, ये 2015 स्पीति करके आए थे, सोचो तब के टाइम पे जब मेरी तो हिम्मत नहीं थी जाने की, तो उन्होंने भी बताया कि तब कैसा माहौल था, कैसी रोड्स हुआ करती थी, तो बड़ा अच्छा टाइम जो है स्पेंड बीता। और हो सकता है आगे आने वाले ब्लॉग्स में हम दोनों साथ भी दिखें आप लोगों को। अब वो दीप भाई के ऊपर है क्योंकि ये लंबी मेरी छुट्टियों के ऊपर है। चलो आज कब लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, एंजॉय। अरे बाबा।